नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आज 31 जुलाई को महिला कांग्रेस ने 24 जुलाई 2020 को देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन में घटित घटना के विरोध में सांकेतिक धरना दिया। जिस तरह नाबालिग लड़की इतनी सुरक्षा के बावजूद गायब हो जाती है और ये घटना समाचार पत्रों के माध्यम से तब सामने आती है जब उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसी जघन्य आपराधिक घटना घटित हो जाती है, इसी तरह की कई घटनाएं पिछले कुछ समय से नारी निकेतन में घटित होती आ रही हैं, जो नारी निकेतन की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किन परिस्थितियों में नाबालिग लड़की लापता हुई और किस परिस्थिति में वापस आई, इसकी जानकारी के लिए नारी निकेतन की वार्डन और सुरक्षा अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। यह प्रकरण किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। नारी निकेतन में घटित इस घटना से पूरा उत्तराखंड शर्मसार है तथा इससे देवभूमि की गरिमा को भारी आघात लगा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो की रिपोर्ट। नारी निकेतन पर बैठे हैं। नारी निकेतन की जो खामियां हैं, हमारी मांग है सरकार से कि एक तो जो लड़की यहां से गायब हुई है उसके एवज में जितने भी यहां अधिकारी और वार्डन इंचार्ज इस नारी निकेतन के उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरा इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसी को लेकर के आज हमारी तमाम महिला कांग्रेस यहाँ बैठी है धरने पर और सरकार से मांग करती है, इस गूंगी बहरी सरकार से मांग करती है कि जल्दी से जल्दी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए कि नारी निकेतन में से किस तरीके से बार बार बच्चियां गायब हो जाती है, इसका जवाब सरकार को, नारी निकेतन को देना चाहिए।